नमस्कार प्यारे साथियों एवं दोस्तों, स्वागत है राजा ऑनलाइन क्लासेस में। दोस्तों आप घर पर स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पठन पाठन क्रिया में व्यस्त होंगे। दोस्तों आज हम लोग दो प्रश्न बनाएंगे, वो भी बहुपद, बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर बहुपद का बनाएंगे। दोस्तों बहुपद पहला क्वेश्चन भी बहुपद, दूसरा क्वेश्चन भी बहुपद, बहुपद का चैप्टर दो और आज भी हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे दो। चलिए सबसे पहला प्रश्न बनाते हैं बिना देरी किए हुए। चलिए सबसे पहला प्रश्न क्या कहता है, देखिए प्रश्न क्या कहता है। सबसे पहले सोल्यूशन लिखते हैं, उसके बाद प्रश्न पढ़ते हैं। द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस थ्री का शून्य ज्ञात करें तथा शून्य को और गुणांकों के बीच संबंध स्थापित करें। दोस्तों सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि द्विघात बहुपद होता क्या है। द्विघात बहुपद होता है कि अचर का घात यानी अधिकतम घात दो हो, अधिकतम घात दो हो। चलिए सबसे पहले अब हम लोग द्विघात बहुपद समझ लिए, अब समझते हैं शून्य क्या होता है। तो इससे जो मतलब एक्स स्क्वायर माइनस थ्री का गुणनखंड करेंगे यानी खंड करेंगे तो वो दो भागों में मतलब बढ़ जाता है। अगर द्विघात बहुपद होगा तो दो भागों में, त्रिघात बहुपद होगा तो तीन भागों में विभक्त होगा। दोस्तों हम लोग चलिए सबसे पहले द्विघात बहुपद है तो दो भागों में इसका शून्य होता है तो दो भागों में इसको विभक्त करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर दिया है लिखेंगे, क्या है दिया है, दिया है क्या दिया है, तो द्विघात बहुपद दिया है क्या, एक्स स्क्वायर माइनस थ्री। और यहाँ पर हम लोग ना शून्य को निकालना है तो बराबर में जीरो लिख देते हैं, शून्य को निकालना है तो क्या करेंगे उसके बाद क्या करना मालूम है, यहाँ एक्स स्क्वायर लिख देते हैं, इधर प्लस माइनस में इधर जाएगा प्लस में लिख देते हैं प्लस थ्री। उसके बाद क्या करना है मालूम है दोस्तों, इधर स्क्वायर उधर जाएगा रूट बनाएगा, प्लस माइनस में रूट बनाएगा। दोस्तों चलिए बनाते हैं, एक्स स्क्वायर नहीं लिखेंगे, एक्स उसके बाद बराबर रूट अंडर प्लस माइनस यहाँ पर लेना नहीं बोलना है, यहाँ पर थ्री लिख देंगे। एक्स बराबर एक बार प्लस में एक बार माइनस में, तो पहले प्लस में लिखते हैं उसके बाद क्या करते हैं माइनस में लिखते हैं, एक्स बराबर माइनस रूट थ्री। चलिए अब इतना आ गया, ये देखिए दो को शून्य प्राप्त हो गया हमारे सामने। यहाँ पर देखिए शून्य को और गुणांकों के बीच संबंध स्थापित करना है तो इसको लिए क्या करना है मालूम है, इसको एगो होता है अल्फा, एगो होता है बीटा, एगो होता है गामा। अल्फा बीटा द्विघात बहुपद के लिए, अल्फा बीटा गामा त्रिघात बहुपद के लिए। हम लोग अल्फा बीटा से निकालेंगे क्योंकि यहाँ द्विघात बहुपद है। तो शून्यकों का सबसे पहले हम लोग योगफल निकालेंगे, उसके बाद हम लोग गुणनफल निकालेंगे, दो ही निकलता है। चलिए सबसे पहले हम लोग योगफल निकालते हैं तो यहाँ पर लिखेंगे, सबसे पहले यहाँ पर इसको मान लेते हैं एगो का अल्फा एगो का बीटा। सबसे पहले यहाँ लिखेंगे माना कि अल्फा बराबर रूट थ्री तथा बीटा बराबर माइनस रूट थ्री। उसके बाद क्या करते हैं हम लोग यहां पर लिखते हैं शून्य को एवं गुणांकों के बीच संबंध, संबंध दो संबंध होता है, कौन कौन संबंध होता है, एगो योगफल एगो गुणनफल। चलिए सबसे पहले योगफल, योगफल बराबर क्या अल्फा प्लस बीटा बराबर फॉर्मूला होता है माइनस बी बाई ए। उसके बाद क्या करेंगे मालूम है, अल्फा की जगह हम लोग क्या रखते हैं समीकरण के यहाँ चिन्ह होगा, बीच में बराबर आ गया, यहाँ पर अल्फा की जगह एक बार रखते हैं रूट थ्री, यहाँ पर देखिए माने हम लोग रूट थ्री प्लस यहाँ पर बीटा बराबर माइनस रूट थ्री, इसको ब्रैकेट यहाँ पर प्लस माइनस ब्रैकेट पर कर देते हैं भाग जाएगा कहीं। देखिए सबसे पहले यहाँ पर माइनस बी है तो बी आपको दिख रहा है, यहाँ पर एक व्यापक रूप लिख देते हैं, व्यापक रूप आपको पता होगा द्विघात बहुपद का, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर जीरो। यह द्विघात समीकरण का, द्विघात बहुपद का इसमें जीरो नहीं रहेगा, द्विघात बहुपद का नहीं रहेगा जीरो, ठीक। उसे यहाँ पर लिख दिए ना, ये क्या होता है बी एक्स का गुणांक, यहाँ एक्स दिख रहा है नहीं दिख रहा, यहाँ जीरो रखेंगे, क्या रखेंगे जीरो रखेंगे, माइनस में जीरो है, एक जगह पर हम लोग एक्स स्क्वायर का गुणांक, यहाँ पर देखिए एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है ए है, और एक्स स्क्वायर का गुणांक यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है वन, तो यहाँ पर बटा में वन लिखेंगे। और इसके बाद क्या करेंगे रूट थ्री यहाँ पर माइनस रूट थ्री, ठीक। और बराबर में यहाँ पर क्या करें मालूम है, इसका ऊपर में जीरो नीचे में एक, तो यहाँ पर जीरो बन जाएगा और उसके बाद यहाँ कर देते हैं, ठीक। उसके बाद क्या करते हैं मालूम है रूट थ्री माइनस रूट थ्री जीरो और बराबर जीरो। यहाँ पर हम लोगों के सामने योगफल ज्ञात हो चुका है और हम लोग गुणनफल की तरफ चलते हैं। सबसे पहले इसका जमीन हड़प लेते हैं कि यहाँ पर जगह नहीं है मेरे पास, सबसे पहले जमीन हड़प लेंगे। उसके बाद क्या करेंगे दोस्तों मालूम है, सबसे पहले हम लोग यहाँ पर लिखेंगे क्या, तो गुणनफल क्या होता है, तो हम डायरेक्ट लिख देते हैं अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बाई ए।
अल्फा बीटा यानी रूट थ्री, और देखिए रूट थ्री एक बार माइनस में रूट थ्री, रूट थ्री गुने माइनस रूट थ्री बराबर सी क्या है, सी तो माइनस थ्री, माइनस थ्री बटा में ए, ए क्या है एक है। उसके बाद हम रूट थ्री को गुणा करेंगे तो रूट नौ, और रूट नौ का वर्गमूल होता है तीन, तो तीन कर देंगे और यहाँ पर माइनस है तो माइनस बराबर माइनस थ्री। यहाँ पर भी सिद्ध हो चुका है गुणनफल तथा योगफल। देखिए देखते देखते दोनों ही सिद्ध हो गया। बिना देरी किए हुए अगला प्रश्न बनाते हैं। अगर आप राजा ऑनलाइन क्लासेस पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। दोस्तों चलिए अगला प्रश्न, यह प्रश्न पाँच नंबर में पूछा जाता है। देखिए यदि बहुपद 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2k का शून्य माइनस 2 है तो k का मान ज्ञात करें। सबसे पहले यहाँ पर सॉल्यूशन लिखने के बाद दिया है क्या दिया है सर, तो दिया है 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2k, बस इतना दिया है। बहुपद द्विघात बहुपद, यहाँ देखिए x भी है, इसमें x नहीं था इसमें x है, चलिए हम लोग इसको बनाते हैं। इसमें क्या बोला है k का मान ज्ञात करें, ज्ञात करते हैं कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर 2 है ना, माइनस 2 तो यहाँ पर x बराबर माइनस 2, यानी कि एगो शून्य आ गया है यहाँ पर मेरे सामने, ठीक। तो एगो शून्य ज्ञात कर रहा है ना, तो क्या करेंगे मालूम है, देखिए एगो शून्य ज्ञात करना है, शून्य नहीं के का मान ज्ञात करना है, ठीक। के का मान ज्ञात करना है तो हम लोग क्या करेंगे मालूम है, एक्स के जगह हम लोग माइनस दो रख देते हैं, अब माइनस दो रखेंगे अब बराबर में जीरो रख देंगे, क्योंकि अगर हम यहाँ पर के नाम कर कुछ और मतलब के नहीं रहता, यहाँ पर सिर्फ दो ही रहता ना, यहाँ पर एक्स के बराबर में, एक्स के बराबर में ना अगर हम दो रखते यानी एक्स के जगह पर हम दो रखते हैं तो यहाँ पर जीरो आता, इसलिए हम लोग बराबर में जीरो रखेंगे, रखते हैं तो यहाँ पर लिखेंगे इसीलिए 3x के जगह माइनस 2 गुने माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 4 गुने माइनस 2, यहाँ पर करते हैं ब्रैकेट क्योंकि दोनों दो चीन एक साथ नहीं रहते हैं, और प्लस 2 के बराबर में 0, समझा दिए हैं। इसके यहाँ पर फिर यहाँ पर समीकरण का चिन्ह देना है, 2 का स्क्वायर 4, 4 तेरी 12 प्लस 4 दूना 8 माइनस में 8 और प्लस में 2k बराबर 0, ठीक। और यहाँ पर क्या करें मालूम है, देखिए यहाँ 12 है माइनस में 8 है तो प्लस माइनस माइनस 12 में से 8 गेट 4, और यहाँ पर क्या है 2k प्लस में 2k और बराबर में 0। उसके बाद यहाँ पर 2k को इधर ही रहने देते हैं, बराबर 4 बराबर क्या करेंगे समीकरण का चिन्ह देंगे, बराबर का नहीं दोस्तों, k बराबर यहाँ पर निकल कर आ चुका है, यहाँ माइनस में 2 तो के बराबर माइनस 2, देखिए आ गया आंसर, दूसरा का भी आंसर आ गया। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा। धन्यवाद, जय हिंद जय भारत।